वैल्यू देखने में मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक काबिल तारीफ फिल्म है, और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। कोई खूबसूरत चेहरे हैं, खूबसूरत कॉन्फिडेंट चेहरे हैं, और मुझे लगता है इनका अच्छा खासा फ्यूचर है। तो मैं चाहूँगा कि लोग जाकर देखें, नए लोगों को देखें, हैं इनका एक इनकी सुंदरता ही अलग है ऐसा मुझे लगता है ना, और कितनी मासूम हैं ये लोग, इसलिए ज़रूर देखें। और लग रहा है ऐसा कुछ बड़ा बड़ी फिल्म लग रही है। ये भी कहना चाहूँगा आज के दौर में आपको जैसे पता है कंटेंट की किंग है, बजट और स्टार्स की वैल्यू अगर देखा जाए, अभी ऑस्कर्स में गुजराती फिल्म फेलोशिप गई है, क्या कितनी बड़ी बात है? आप इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल इस फील्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इवन कश्मीर फाइल्स और आर आर नहीं जा पाई, जबकि इतनी बड़ी की फिल्म थी, इतना ज़्यादा पैसा और नाम कमाई, फिर भी क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मुझे लगता है वो तो चॉइस है कौन सी फिल्म भेजनी है। इसी फिल्म को दूसरी फिल्म के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अपनी जगह आरआरआर बहुत ही मतलब उसने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, विदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ पर कश्मीर फाइल्स ने जो एक किस्म से लोगों के इमोशन को जगाया, मुझे लगता है कि छेलो शो मैंने अभी देखी नहीं है, पर जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी फिल्म भी आपको अचानक से आपके अंदर कुछ ऐसा कर देती है, इम्पैक्ट कर देती है कि आप उससे बाहर नहीं आ पाते। इसलिए फिल्म का इम्पैक्ट होता है, कोई छोटी और कोई बड़ी होती नहीं है। जैसे इन दोनों को देखकर भी ऐसा लगता है कि कोई नया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो हुनर है वो पता नहीं कितना गहरा है। तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चले। और सर राजू सर का निधन तो बहुत, मैं उनको तब से जानता था जब वो बिल्कुल ही नए थे। और एक तो याद मेरी ये भी है कि हम शूट कर रहे थे और तब वो एक नया अपना एक एपिसोड बना रहे थे, जो खुद अपने जोक्स बनाते थे वाकई में, तो मुझ पर ट्राई कर रहे थे। तो मैंने कहा राजू भाई तुम बना रहे हो अपना जोक? तो कहते हैं हाँ, आपके साथ एक कोशिश करके देखता हूँ, वो वर्क कर रहा है। मैं बिल्कुल वर्क कर रहा था, इन अ वेरी हार्ड वर्किंग, रियली फनी एंड कहीं इंटीग्रिटी खोया हुआ आदमी नहीं था जब मैं उनको जानता था। बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा मेरा। सर आखिरी सवाल है सर, आपकी फिल्म को बहुत प्यार मिला दंगली चाल को, क्या कहना चाहोगे आपके कैरेक्टर को? लव द फैन, क्या ऐसी फिल्म हिंदी में भी आएगी आपकी जो फिल्म? मुझे तो लग रहा है जैसे फिल्म एंड हुई थी दंगली चाल 2, दंगली चाल 3 हिंदी में आएगी, और हमारा जहाँ होर्डिंग लगा था ना वहीं इनका होर्डिंग लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्रेम गीत 3, तो मुझे लग रहा है कि इनकी वजह से मेरा भी दंगली चाल 3 आ जाएगा और लोग देखेंगे। तुम्हारा लक मुझे भी मिल जाएगा। एक्सपेक्टिंग नेशनल अवार्ड फॉर योर कैरेक्टर? यार एक्सपेक्टेशन तो आदमी ऑस्कर भी कर ले, मुझे लगता है कि जो जहाँ मिल रहा है, पर एक ज़रूर है कि लोगों ने उसको सराहा है, और लोगों ने सराहा एक बात है, जो डैडी है उनको बहुत पसंद आया है। तो आई थिंक चलो वही बात अच्छी। Yeah, so now I am again wishing them all the best. Thank you so much, sir. And God bless you. Sir, आपसे चाहूँगा, सर आपके हाँ बहुत 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 शुक्रिया। मगर सर की मैंने पिक्चर्स आर हुई बहुत सी पिक्चर्स भी देखी है, और जैसे ऑस्कर्स और दूसरे पिक्चर्स की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से ना भगवान से सब कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन ऑडियंस से प्यार मिले वो सबसे बड़ी अवार्ड होगी। और आरआर को इतनी जगह से ग्लोबली प्यार मिला, तो हम तो विश करते हैं उस तरीके का प्यार मिलेगा आपको मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो मच सर। सुभाष जी ये इनकी वजह से आए हम, और इनका प्यार पता ही चलता है वो क्यों इनके साथ जुड़े हैं। इतने प्यारे लोग हैं, मुझे लगता है लोगों ने इनको प्यार देना चाहिए। प्लीज ये फिल्म देखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अरे एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। अभी फिल्म का एक्साइटमेंट है, आज बहुत बड़ा दिन है। हाँ प्रीमियर है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो बुकिंग खुली है ना हर जगह पे, पूरा का पूरा सोल्ड आउट जा रहा है, तो फिर इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। 1000 स्क्रीन ऑलरेडी, 1000 स्क्रीन पे पूरा हाउसफुल जा रहा है। हाँ एडवांस बुकिंग पूरा सोल्ड आउट ही है, नॉट जस्ट बुकिंग। हाँ जी, 3 साल के मेहनत के बाद मूवी लोगों के हवाले होने जा रही है।
हाँ अभी फाइनली पूरा का पूरा अभी ऑडियंस के पास चला गया है पिक्चर, अभी बस उनको पसंद आ जाए तो फिर ये 3 साल की मेहनत रंग लाएगी। अभी जो कुछ भी है सब कुछ हमने अपनी तरफ से तो 100% दी है, तो मैं पहले भी कहा करता था कि जो भी रिजल्ट आए हमें एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है, हमारी टीम को पता है कि हमने पूरा अपना हार्ट एंड सोल लगा दिया है। जैसा भी रिजल्ट आएगी उससे हम उसको पॉजिटिवली लेके, जैसे भी फीडबैक आएगा उससे और ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्यार मिलेगा तो उससे भी बेहतर करने की ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर जितना कोशिश अभी किया है उससे ज़्यादा कोशिश डेफिनेटली करेंगे। इंडियन बॉक्स ऑफिस में भी आप कितने एक्सपेक्टेड? वो तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, नॉट जस्ट फॉर मी, पूरा हमारी इंडस्ट्री जो भी इस चीज़ को एंटिसिपेशन के साथ देख रहे हैं कि कैसा होगा, नई नई जगह पे कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इससे तो बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि चलो हमें इतना इतना ओपन हार्टली वेलकम किया है तो हम भी जाके इनसे मिलते हैं और ज़्यादा जॉइंटली काम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत मायने रखता है दो जगह की रिलेशनशिप के। कोई पहली नेपाली फिल्म होता है कि ये इंडिया में रिलीज होगी, मेरे ख्याल से कितना स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार? अभी जिस तरीके का रिस्पॉन्स है, जिस तरीके के काम हुआ ना, मैंने बता दिया, मैंने पहले भी बताया कि ये पहली दफ़ा हुई है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जुट गए हैं, UFO, जी स्पार्किंग स्टूडियो, रियल्टर्स, वो अपने आप में एक हिसाब से सफलता है हमारे लिए, क्योंकि जिस लोगों को देखकर हम पिक्चर शुरू करते थे, कितने सारे पिक्चर्स के आगे ये लोग देख रहे थे, और अब आज के दिन पर ये लोग हमारे बोर्ड पर, ये लोगों और लोग दोनों तो हमारे पिक्चर्स के साथ एसोसिएट हो रहे थे, वो अपने आप में हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, और बाकी तो अभी पिक्चर देखने के बाद सब बोलेंगे। हमारी यहाँ पे मेरे ख्याल से 150 से 200 की स्क्रीन के आसपास पिक्चर चलती है, हमारी ऑडियंस 2 से 3 करोड़ है, उसमें से हम मेरे ख्याल से 2 से 3% लोग ही देखते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी छोटी जगह, कितनी छोटी इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं। अब आज जा करके 1200 स्क्रीन 1500 स्क्रीन पे रिलीज़ हो रही है ग्लोबली, तो ये कितनी टाइम्स बेटर, कितनी टाइम्स बड़ी है हमारे लिए, तो अभी हम किसी भी इंडस्ट्री से कम्पीट करने की कैपेसिटी से नहीं रखते, लेकिन हमारे पास इतनी बढ़िया स्टोरीज, अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो हमारी ऑडियंस के लिए हम ला के पेश कर सकते हैं अगर हमें सबका सपोर्ट मिले, और मेरे ख्याल से जैसा इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन हमेशा से यूनिटी डाइवर्सिटी का रहा है, इसी तरीके से मेरे ख्याल से जैसे साउथ की पिक्चर की एक्सेप्टेंस मिली है, जैसे हॉलीवुड की पिक्चर्स को भी आप एक हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से ये बड़े गार्डन में ना एक और फूल ऐड होने जैसा है, जिससे ये गार्डन और भी ब्यूटीफुली रहेगा। आपकी डेब्यू फिल्म है और आज प्रीमियर है, क्या कहना चाहोगे, कितना एक्साइटमेंट है आपको प्रीमियर को लेकर? मैं तो क्या ही कहूँ, इस फीलिंग को आज मैं वर्ड्स में उतार नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, और फिर बटरफ्लाईज आ रहे हैं, पता नहीं मैं क्या 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 फील करना चाहिए, क्या फील कर रही हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, बहुत बहुत ये वर्ड्स में उतारने को मुझे मुश्किल हो रहा है। क्या अभी भी आप हमसे बात कर रहे हो तो आप बात करते करते थोड़ी इमोशनल हो रही है, आपके चेहरे से पता चल रहा, आपकी आँखों से पता चल रहा है, क्या एक डर जैसा महसूस हो रहा है? डर भी है, बहुत सारे खुशियाँ भी है, क्या कहीं ये पानी बन के बह ना जाए, इसलिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ ये वाजिब है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है और डेब्यू है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये फील होता होगा कि कल लोगों के सामने मूवी जा रही है, क्या रिस्पांस मिलेगा, अब तक आपको फैंस का कैसा रिस्पांस? मैं तो अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे मूवी रिलीज़ होने से पहले, ये तो मेरी पहली मूवी थी, अभी मुझे किसी ने स्क्रीन पे देखा ही नहीं, फिर भी मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट जो ऑडियंसेस से मिली है, मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, और सारे ऑडियंसेस को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ इतना प्यार बरसाने के लिए, तो फिर ये प्यार मूवी के कल जो 23rd of September रिलीज़ डेट है, तो ये प्यार वहाँ भी सदा बाहर रहे, और ये सपोर्ट हमेशा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस दौर को दोहराना चाहेंगे? किसको दोहराना चाहेंगे? आप अपनी अगली फिल्म को भी लेकर आप भारत आना चाहेंगे? जरूर, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं प्यार मिलेगा, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं।
भारतीय जनता में क्या होती है ऑडियंस की, वो बॉलीवुड फिल्मों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बॉलीवुड फिल्मों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती और पहली बार नेपाली फिल्म यहाँ रिलीज हो रही है। तो एक तरफ देखा जाता है कि जब वो भारतीय फिल्मों को नकार देते हैं तो उसी बीच में आपकी नेपाली फिल्म जो फर्स्ट पहली बार रिलीज हो रही है, तो आप अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? हमें तो अभी अभी दिख रहा है कि बुकिंग भी ओपन हो गई और सारे के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, तो ऑलरेडी ये प्यार देखने को मिल रहा है, तो क्या ही कहें। आपकी क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर देता हूँ, कभी कभार मुझे इंटरव्यूज में आप अपने फैंस को क्या कहना पसंद करोगे ऐसे पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं उनको फैंस नहीं कहता, मैं उनको फ्रेंड्स कहता हूँ, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ना गलती करो, अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, वो एक्सेप्ट कर लेते कि अपना दोस्त है। तो मेरे ख्याल से इंडिया और नेपाल की भी वो इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम कुछ गिफ्ट हमारे तरफ से लेके आए हैं आप सबके लिए, तो उतना ज़्यादा अच्छा ना भी हो तो भी आप लोग पसंद करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस तोहफा को, और एक हमें ना एक हम गारंटी क्या देंगे कि इससे आगे और मेहनत और बेहतरीन काम करने की कोशिश हमेशा रहेगी। प्रदीप और हर्षिन दोनों को हम इंडियन नागरिक और इंडियन मीडिया की तरफ से आज फिल्म के लिए ढेर सारी शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या पूछे 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 चले पूछे, रेडी रोलिंग, रेडी रोलिंग, जी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। कल को भी मैंने देखा हुआ है इंडियन आइडल के टीम के साथ, देव जी के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगी थी, फिर से आज भी रिपीट करके देखने वाली हूँ, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। स्टार कास्ट के साथ में और भी लोग प्रीमियर है, ये आपके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये डेब्यू है आपका, तो क्या कहना चाहोगे, कितना एक्साइटमेंट है, कितना डर है? डर तो है ही, कल को रिलीज है, आज प्रीमियर है, और बहुत बहुत डर से भी ज़्यादा, नर्वस से भी ज़्यादा, एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरे गॉड से, मेरे ऑडियंसेस से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे प्रोड्यूसर से, मेरे को एक्टर से, सारे के सारे इस दुनिया से मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। फैंस के लिए कोई मैसेज, कल मूवी रिलीज हो रही है? जी कल को मूवी रिलीज हो रही है 23rd of September, आपके प्यार और सपोर्ट तो पहले से ही मिल रही है, आशा करती हूँ कि कल के रिलीज डेट में भी आपके प्यार ऐसे ही बरकरार रहेंगे, सो सी यू ऑन द थिएटर्स। आज की रात के बाद कल की सुबह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप एक सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, कितना क्या थे? क्या बनूंगी ये तो मुझे पता नहीं, मैं भी उस चीज़ के लिए बोलते हैं ना बहुत ही बटरफ्लाईज हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कल की सुबह क्या लाने वाली है, तो फिर देखते हैं कल को क्या होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत बड़ा दिन है, मूवी का प्रीमियर हो रहा है मुंबई में, तो क्या कहना चाहोगे? आज वो हमारा काम तो ख़त्म हो गया है, अब दर्शक के पास जा रहा है कॉल से एडवांस बुकिंग, वो पूरा इंडिया से प्यार दिख चुका है, अब इसको बढ़ाने के लिए हम दर्शकों के लिए वो विनती करता हूँ, बहुत खुश हूँ, ये जो इतना साल से मेहनत करके जो आउटपुट लिया है अंततः दर्शक के साथ आया है। काफ़ी मेहनत आप लोगों ने इस मूवी के पीछे की, थोड़ा थोड़ा कि कितना साल या कितना वक्त लगा था आप लोगों को मूवी करने का? ये हमने 3 साल के बाद ख़त्म हो गया है, आज के दिन आने में 3 साल लग गया है, वो आप भी सोच सकते हैं कितना मेहनत लगा होगा इसमें, हमारा टीम जितना भी टीम है वो टीम का कितना वो मेहनत है, वो कितना प्यार से इसको ख़त्म किया, कंप्लीट किया है फिल्म को, अभी तो दर्शक के लिए छोड़ चुका है, हमारा काम तो ख़त्म हो गया, 3 साल लगा के दर्शक को दिए, दर्शक के प्यार के हमने वही वेट कर रहे हैं। इंडियन ऑडियंस से क्या बोलना चाहते हैं? इंडियन ऑडियंस का प्यार तो मिल चुका है, अभी एडवांस बुकिंग बहुत अच्छा जा रहा है, लगभग 80% से ऊपर जा रहा है, फिर आपको ढेर सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप वो कैसा लगता है आपने कमेंट कीजिए, दोस्तों को बोलिए, अच्छा मूवी है, एक हिमालय का पीरियड ड्रामा लव स्टोरी, एक एक्शन ड्रामा, वो देखने के लिए वो रिकमेंड करिए, बोलना चाहता हूँ।
भारतीय फिल्म बाजार से आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है, फिल्म में कैसी साबित होगी? हाँ जी, आपको भारतीय जनता से कितनी एक्सपेक्टेशन है कि ये फिल्म आपको जनता सरकार है, जितना ये एडवांस में प्री बुकिंग जो हुआ है वो इस हिसाब से बहुत अच्छा प्यार मिला है, इसको और प्यार दीजिए और दोस्तों को फैमिलियों को बताइए, वही बोलना चाहता हूँ। आज के इस बड़े दिन, आज प्रीमियर हो रहा है, जिस दिन के लिए इतनी मेहनत हुई थी मूवी रिलीज के लिए, उस दिन इस वक्त प्रीमियर से पहले आप अपने को डायरेक्टर जो आपके साथ फिल्म को डायरेक्ट किया, जिस दुनिया में नहीं, आपको कितना मिस करते? मैं बहुत मिस करता हूँ, कर रहा हूँ। जब जब इधर मुंबई में काम होता है, जब जब प्रेस मीट होता है, तब मैं बाजू में देखता हूँ। नाम वो छेतन गुरुंग, मेरा भैया जैसा है वो, मैं बहुत अपना भैया जैसा मानता हूँ। उन्होंने मेरे को डायरेक्शन के लिए वो ऑफर किया था, फिर वो अभी हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं वो मीडिया में इतना ज़्यादा वो रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक हाथ नहीं है जैसा लगता है मुझे, इसीलिए बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर वो ये इधर होते तो मैं कितना एक्साइटेड होता, कितना खुश होता, पब्लिकों का कितना वो मीडिया के साथ बोलता होगा। वो अभी वो खुशी नहीं है, जहाँ भी है वो खुश होंगे, उनके सपना को, ड्रीम को वो हमने एक बड़ा बनाया है, बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, और आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमें इंडिया मीडिया। थैंक यू सर, आपकी फिल्म सक्सेस हो, बस हम लोग ये मिलते हैं। थैंक यू सर, इंडिया आपके साथ है। थैंक यू क्या कहना चाहिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मुंबई में प्रेम की थ्री का प्रीमियर हो रहा है, तो मूवी को लेकर सबसे पहले मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड है, इतने लोग आज सब साथ में बैठे मूवी थिएटर में देख रहे हैं? आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म का हिस्सा मैं हूँ, और फिल्म बहुत ही मेलोडियस है, और मेरे को गाना करने का मौका मिला, और राहत जी का जो गाना, जहाँ भी जाऊँ मैं सनम बस तू ही तू, आई एम डी एच हारमोनी म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग, और बहुत ही उम्दा लोकेशन है, और आर्टिस्ट भी बहुत ही बेहतरीन है, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, फ्रेंड गीत की ये लव स्टोरी है, इमोशनल फिल्म है जी। मेरा एक गाना है, मेरा राहत जी वाला गाना मेरा है, जो जहाँ भी जाऊँ ऐसा नंबर तो ही तो मेरा। हाँ, प्रमोशन भी चल रहा है, जो लव सॉन्ग है, जो मेन प्रेम गीत का जो लव सॉन्ग है वो वही जी। 100% हुआ है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे गाने में पूरा जो प्रेम और गीत के जो लव स्टोरी का केमिस्ट्री है वो मेरे गाने पे ही दिखा रहे हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हुई, और मोर देन जस्टिफिकेशन हुआ है, बहुत बढ़िया बेहतरीन शूटिंग किया, लोकेशन भी बहुत प्यारा है, और बहुत ही उम्दा अमेजिंग लोकेशन, और जो क्यूट केमिस्ट्री है प्रदीप जी का और कृष्णा जी का, वो अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। ऐतिहासिक दिन है, पहला प्रीमियर मुंबई में होने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश है, और एक्साइटमेंट भी है काफ़ी, कि चलो अभी सारे इतने लोग गेस्ट हमारे आए हैं, जितने भी लोग बुलाए थे बॉलीवुड से, सारे लोग आए, बड़ी खुशी हो रही है आज, अच्छा लग रहा है बहुत। पहली बार सब एक साथ बैठ के मूवी देख रहे हैं, स्टार कास्ट भी है, गेस्ट हैं आप लोग, तो कितना मतलब एक अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। खुशी की बात है कि 75% ऑक्युपेंसी फुल है इंडिया में, वो सबसे बड़ी खुशी है कि ओपनिंग बहुत अच्छी मिली है फिल्म को, मोस्टली 50-60 थिएटर्स हाउसफुल है इंडिया के, फर्स्ट फिल्म है जो हिंदी में डब हो के अभी हमारी जो प्रेम गीत आ रही, बहुत बहुत खुश हूँ मैं, और जो इंडिया के लोगों ने जो प्यार दिया इस फिल्म को, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरी तरफ से एज अ प्रोड्यूसर। आपकी गेस्ट लिस्ट में और कौन कौन लोग हैं जो अभी यहाँ पे आ रहे हैं? गेस्ट लिस्ट में काफ़ी लोग हैं, अभी आएंगे, थोड़ा ट्रैफिक में है, काफ़ी लोग हैं। मुंबई के कितने थिएटर्स में मुंबई में 400 मुंबई में 130 थिएटर्स है टोटल, मुंबई और मुंबई उपनगर में दोनों मिला के, जैसे कल्याण उल्लास नगर वो सब जो आता है, हम बोलते हैं कि मुंबई उपनगर और मुंबई में 130 थिएटर्स है, ऑल ओवर इंडिया 400 से। सर,
आपसे जानना चाहेंगे मूवी को लेकर कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, कौन सा आगे कैसे रिस्पॉन्स? मूवी को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और जहाँ तक हम देख रहे हैं अभी शो हाउसफुल चल रहे हैं, करीबन 60 से 70% शो हाउसफुल हो चुके हैं। उसके अलावा कई जितने भी और थिएटर जितने भी हैं, जैसे दिल्ली हो गया, आपका चेन्नई हो गया, मतलब मेट्रो सिटियों में 50% से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है अब तक। और ये भी सुनने में आया था कि काफ़ी थिएटर्स मूवी की जिस तरह से प्रमोशन है और क्रेज़ है मूवी का, तो थिएटर्स ने भी अप्रोच किया है आप लोगों को कि और भी थिएटर्स मूवी रिलीज़ कर रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा ये है, एग्जीबिटर की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। हमें तो सारी पब्लिसिटी कम पड़ गई ऐसा लग रहा है कि कहाँ पब्लिसिटी मिली। हमने जो प्रिंट करवाई थी वो कब की फिनिश हो जाएगी, सेकंड पब्लिसिटी प्रिंट की है, अभी थर्ड कर रहे हैं हम, जिस अभी ऑल ओवर इंडिया भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर्स बहुत काफ़ी बढ़ेंगे, सैटरडे संडे और बढ़ेंगे, मंडे और बढ़ेंगे थिएटर्स, ऐसा लग रहा है जो एग्जीबिटर की डिमांड है और लोगों की जो डिमांड है पब्लिक। एडवांस बुकिंग को लेकर दर्शकों का प्यार बहुत मिल रहा है अभी। मैम आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन के बारे में? फर्स्ट फिल्म नेपाली, पहली फिल्म है नेपाली इंडियन, और हम लोग हिंदी और नेपाली में दोनों में रिलीज कर रहे हैं। हाँ हाँ भेज रहे हैं। ऐसा होता है कि बड़ों बड़ों के फिल्मों को टिकट हाँ हाँ मिलती है, ओपनिंग नहीं मिलता है, लेकिन इस पिक्चर के 95% हाउसफुल हो गए थे थिएटर्स, तो ये बहुत बड़ा शगुन है। ठीक 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 ठीक, ये दिखाता है कि फिल्म आगे जाके बहुत कमाने वाली है और लोगों को बहुत प्यार मिलने वाला है। और सुबह स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग हुआ था, अभी फर्स्ट टाइम आप सब लोगों ने मूवी देखा था, तभी का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे रिएक्शंस मिले? लोगों के रिएक्शन इतने थे कि लोग सीटियां बजा रहे थे, तालियां लगा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश। पिक्चर कब खत्म हुई सब लोग बोलते पिक्चर कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। ये बहुत ही खुशी की बात है, आज के दिन जब फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर लगने के लिए नहीं है, पिक्चरें सही नहीं हैं, ऑडियंस नहीं आ रही है, ऐसे वक्त में एक अच्छी फिल्म को ढूंढ के ला के लोगों के सामने इस तरह पेश करना, ये बहुत अच्छा काम किया है सुभाष काले, सुषमा शिरोमणि जी और प्रशांत कुमार गुप्ता जी ने, जो इस फिल्म को आगे लाए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। मैं आज देखने जा रहा हूँ, मुझे भी उम्मीद है क्योंकि ट्रेलर और सारा फीडबैक सुन के मुझे ये फीलिंग है कि ये पिक्चर ज़रूर चलनी चाहिए और लोगों का प्यार मिलने से वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर या प्रोमो देखा है, देखने के बाद मतलब जो लोकेशन जो शूटिंग उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? ये वैसी दुनिया है जहाँ पे आज आप चाहो तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसी दुनिया में हमारे एज के आदमी का तो जीना मुमकिन ही नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम ड्रॉप हो जाएगा। तो वो जो एक एक्सपीरियंस होगा ऐसी एग्जॉटिक लोकेशंस में जो ट्रेलर में दिखी हैं, दैट इटसेल्फ इज़ एन एक्सपीरियंस, उसके अलावा कहानी है, फिल्म अच्छी है, डेफिनेटली ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर इट बी आई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे डैड सुभाष काले ही वॉज टेलिंग मी कि उन्हें बहुत पसंद आई है, मैं उनको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ प्लीज मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ, बट फाइनली आई एम गोइंग टू सी इट टुडे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, मुझे टीज़र बहुत पसंद आया था एक्चुअली, डैड के साथ बैठ के मैंने बहुत बोला था और कट करो, तो फिर घर में आके मुझे डैड दिखा देते ये कैसा लग रहा है, तो हम लोगों ने 3-4 बार बहुत बार कट किया था, ये एडिट किया था ट्रेलर को, फिर टीज़र को, फिर ट्रेलर वॉज वो सरप्राइज फॉर मी। ट्रेलर मैंने देखा नहीं था, जब मैंने ट्रेलर देखा आई रियली लाइक डिट, इट वॉज डिफरेंट क्योंकि उन्होंने मुझे पहले कुछ और दिखाया था फाइनल कट, फिर फाइनल कट कुछ और था जब रिलीज़ हुआ। सो ट्रेलर एंड टीज़र बोथ आर लुकिंग लाइक big Bollywood movie, like you know Tollywood movie, so I'm very excited. आप आज movie पे first time Dolby में theater में? हाँ, first time I'm going to watch it. कुछ idea नहीं है trailer और teaser के अलावा. Thank you. बाजी क्या कहना चाहोगे आज movie? आज सभी के लिए सबसे पहले महादेव की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे सुभाष सर ने बहुत सुंदर मूवी की रचना की है, तो आज जो पिक्चर हमने देखी और स्टोरी जो हमने सुनी है वो हमारे भारत देश और नेपाल देश के बहुत प्यारे संबंध, और हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जो भारत की जो संस्कृति है
उसको रहते हुए पिक्चर बनाई गई है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि आज जो हमारा विषय है पिक्चर का, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की जो परंपरा है, जो इतिहास है, उससे हटके मूवी बनती है। और ना चलने की बहुत बड़ी वजह वही है। तो ये जो प्रेम गीत 3 हम देख रहे हैं, ये बहुत प्यारे संबंध, उसका नाम ही प्रेम से बनता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस पिक्चर को प्लीज़ कृपा करके देखिए और खूब सारा से भी लोग आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव।